मूल अधिकार का सर्वप्रथम विकास ब्रिटेन में हुआ था। ब्रिटिश सम्राट जॉन द्वारा 1215 ईस्वी में हस्ताक्षरित अधिकार पत्र मूल अधिकार संबंधी प्रथम लिखित दस्तावेज है। इसके द्वारा सम्राट ने ब्रिटिश नागरिकों को कुछ मूलभूत अधिकारों की सुरक्षा का आश्वासन दिया था। 1689 में लिखित बिल ऑफ राइट्स मूल अधिकारों के संबंध में एक अन्य प्रमुख दस्तावेज है। इसमें विभिन्न सम्राटों द्वारा समय समय पर ब्रिटिश नागरिकों को प्रदत्त महत्वपूर्ण अधिकारों एवं स्वतंत्रताओं का संकलन किया गया है। फ्रांस में एक लंबे संघर्ष के पश्चात सन 1789 ईस्वी में मानव एवं नागरिकों के अधिकार घोषणा पत्र द्वारा फ्रांस की जनता को कुछ मूलभूत अधिकार प्रदान किया गया था। उल्लेखनीय है कि फ्रांस की जनता अपने मूल अधिकारों के प्रति अत्यधिक सजग थी। फलत 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी शासक लुई सोलेमे को मूल अधिकार उल्लंघन के कारण फांसी पर चढ़ा दिया गया था। अमेरिका के मूल संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख नहीं था। 1791 में अमेरिकी संविधान में संशोधन द्वारा अधिकार पत्र को जोड़कर मूल अधिकार का प्रावधान किया गया। भारत में मूल अधिकारों की मांग सर्वप्रथम संविधान विधेयक 1895 ईस्वी के माध्यम से की गई थी। भारतीयों को मूल अधिकार प्रदान करने की मांग 1917 से 1919 के दौरान कांग्रेस द्वारा की। इसके बाद 1925 ईस्वी में श्रीमती एनी बेसेंट द्वारा कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल के माध्यम से तथा 1928 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू द्वारा नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से भी की गई थी। 1927 ईस्वी में कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन तथा 1930 के कराची अधिवेशन में इसके संबंध में प्रस्ताव पास किया गया था। दूसरे गोलमेज सम्मेलन के दौरान गांधी जी द्वारा भी यह मांग उठाई गई थी, किंतु 1934 में सरकार की संयुक्त संसदीय समिति ने इसे अस्वीकार कर दिया। अतः 1935 के भारत शासन अधिनियम में इसे शामिल नहीं किया गया। 1945 ईस्वी में तेज बहादुर सप्रू ने भी संविधान के संबंध में प्रस्तुत रिपोर्ट में भारतीयों को मूल अधिकार दिए जाने की वकालत की थी। संविधान निर्माण के समय संविधान सभा द्वारा मूल अधिकार तथा अल्पसंख्यक अधिकार के संबंध में परामर्श के लिए वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में एक परामर्श समिति का गठन किया गया था। मूल अधिकार पर परामर्श हेतु एक उपसमिति का गठन भी जे.बी. कृपलानी की अध्यक्षता में किया गया था। इनकी सिफारिश के आधार पर भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार संबंधी प्रावधान किया गया है। मूल अधिकार भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता है, किंतु इसे संविधान द्वारा परिभाषित नहीं किया गया है। ब्रिटेन के संविधान में बिल ऑफ राइट्स को मूल अधिकार कहा जाता है और फ्रांस एवं अमेरिका में इन अधिकारों को प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकारों के रूप में स्वीकार किया गया है। भारत में मूल अधिकार संविधान द्वारा प्रदत्त विशेष अधिकार है। भारतीय संविधान की एक और प्रमुख विशेषता है कि इसके भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 30 तक तथा 32 और 35, जो कि कुल 23 अनुच्छेदों में व्यक्ति के मूल अधिकारों के संबंध में इतना व्यापक वर्णन किया गया है जितना
विश्व के किसी भी लिखित संविधान में नहीं किया गया। इस विशद वर्णन के बावजूद संविधान मूल अधिकार को परिभाषित करने में गौण है। मूल अधिकारों को उन अधिकारों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के लिए आवश्यक हों। ये अधिकार व्यक्ति के बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। सामान्यतः व्यक्ति के इन अधिकारों में राज्य के द्वारा भी हस्तक्षेप नहीं लगाया जा सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको बर्थ ऑफ फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया। उम्मीद है आपको ये वीडियो हमारी बहुत पसंद आई होगी। इसके साथ साथ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।